कांग्रेस पार्टी की महासचिव और सोनिया गांधी की बेटी प्रियंका गांधी का राजनीति में अच्छा खासा दबदबा है। प्रियंका जब भी किसी रैली में जाती हैं तो उनका भाषण सुनने के लिए लाखों की तादाद में भीड़ इकट्ठा हो जाती है। कांग्रेस के कुछ नेता तो यहाँ तक मानते हैं कि प्रियंका के अंदर इंदिरा गांधी की छवि दिखाई पड़ती है। लेकिन क्या आपको पता है प्रियंका गांधी की एंट्री राजनीति में कैसे हुई और किस तरह उन्होंने अपने लव पार्टनर रॉबर्ट वाड्रा को अपना जीवन साथी चुन लिया। आज हम आपको बताएंगे प्रियंका के सियासी सफर से लेकर उनकी शादी तक की पूरी कहानी। प्रियंका गांधी का जन्म 12 जनवरी 1972 को नेहरू परिवार में हुआ। आपको बता दें प्रियंका के पिता राजीव गांधी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे और उनकी मां सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष। प्रियंका अपने भाई राहुल गांधी से 2 साल छोटी हैं। 18 फरवरी 1997 को प्रियंका गांधी ने व्यवसायी रॉबर्ट वाड्रा से शादी कर ली थी। शादी के बाद रेहान और मिराया उनके 2 बच्चे हुए। आपको बता दें संजय गांधी उनके चाचा थे जिनकी 1980 में विमान दुर्घटना में मौत हो गई थी और मेनका गांधी प्रियंका गांधी की चाची हैं जो कि बीजेपी की सांसद है। वहीं वरुण गांधी प्रियंका गांधी के चचेरे भाई हैं और भाजपा के एक बड़े नेता हैं। प्रियंका ने अपनी प्राथमिक और उच्च शिक्षा मॉडर्न स्कूल और कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी से की थी। उन्होंने 2010 में साइकोलॉजी विषय में स्नातक की और फिर बौद्ध अध्ययन में एमए किया। वह जनवरी 2019 तक राजनीति में सक्रिय नहीं रही लेकिन वह अमेठी और रायबरेली के जब दौरे पर जाती थी तो पार्टी का प्रचार प्रसार करती थी। साल 2007 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अमेठी रायबरेली क्षेत्र की 10 सीटों के लिए कांग्रेस पार्टी की मदद की उन्होंने और चुनाव प्रचार किया। 23 जनवरी 2019 को पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रभारी के रूप में कांग्रेस पार्टी का महासचिव उन्हें नियुक्त किया गया। 16 साल की उम्र में प्रियंका गांधी ने अपना पहला भाषण दिया था जो कि एक नेता की विरासत की गुणवत्ता को दर्शाता है। प्रियंका गांधी बौद्ध धर्म की अनुयायी हैं और वो बौद्ध धर्म में विश्वास रखती हैं। रॉबर्ट वाड्रा की बहन मिशेल प्रियंका गांधी की सहपाठी थी और अच्छी दोस्त थी। प्रियंका गांधी को खाना बनाना, पढ़ना, मेडिटेशन और फोटोग्राफी करना बहुत पसंद है। वो एक बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजर हैं। उन्होंने राजनीतिक हित के मामले में अपनी मां की मुख्य सलाहकार की भूमिका निभाई है। आपको बता दें प्रियंका गांधी की पसंदीदा पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखित डिस्कवरी ऑफ इंडिया है। कहा जाता है प्रियंका की दादी इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उन्हें अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी लेकिन बाद में उन्होंने अपनी पढ़ाई शुरू की। प्रियंका गांधी रेडियो ऑपरेटिंग में अपना करियर बनाना चाहती थी लेकिन उनका रुख राजनीति की तरफ मुड़ गया। वेब 20 न्यूज़ के लिए राहुल की रिपोर्ट।